और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम ने राक्षस को मार के तीसरा ड्रैगन बॉल हासिल कर लिया, फिर चौथे ड्रैगन बॉल के लिए एक पहेली सुलझा दी और बोन टू किल बंडल को मार के पांचवा ड्रैगन बॉल हासिल कर लिया। अब आगे हुए, अरे ये लो आज से ये पांचवा ड्रैगन बॉल तुम्हारा हुआ हो। तो सड़ो यार, अब हमें जल्दी से अगला ड्रैगन बॉल कहाँ मिलेगा वहाँ पहुँचा दो। ठीक है, आबरा का डाबरा गीली गीली छू, निकलो नूबड़ी वालो। अरे शाशा ये देखो, यहाँ के पेड़ तो कैसे अजीब है। क्रिमिनल, लगता है हम माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में पहुँच गए हैं। यहाँ पर हर चीज ऐसी ही होती है। अब शाशा यहाँ पर ड्रैगन बॉल का रखवाला कहाँ मिलेगा हमें? तीव हम गल तक लेस लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। पर एक मिनट, ये अजीबो गरीब इंसान कौन है? अबे साले अजीब किसको बोल रहा है, अजीब तो तू है टकड़े। अबे टकला किसको बोलता है सुटकू, लात मार के उड़ा दूंगा। अबे तू मुझे लात मार के उड़ाएगा अभी बताता हूँ तुझे, स्क्वायर कही के। अरे पापा बताओ मुझे, ये कीला मुझे मार रहा है। अरे भाई लोग रुको रुको यार, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे ले हो, बंद करो। अरे ये क्या, आप इसके पापा हो? आप तो हमारे जैसे हो और आपका बच्चा तो कुछ अजीब ही प्राणी है, ऐसा क्यों? भिड़ू ऐसा है कि मैं बहुत सालों पहले माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में आया था, फिर मुझे इसकी माँ से प्यार हो गया और हमने शादी कर ली, इसीलिए मिक्स भी डायल आए। वाह क्या बात है। अरे वो माफ कर देना, ये क्रिमिनल ने थोड़ी हाथापाई कर ली थी आपके बच्चे के साथ। चल क्रिमिनल तू सॉरी बोल दे इसको। ठीक है सॉरी ब्रो, सेम टू यू ब्लो, तल हम दोनों दोस्ती तल लेते हैं। वाह मेरा बच्चा है तो भिड़ू, अच्छा बच्चा है तू। वैसे तुम लोग क्यों आ रहे ले इधर? अरे हम वो ड्रैगन बॉल के रखवाले को ढूंढ रहे हैं, हमें ड्रैगन बॉल चाहिए इसीलिए। अरे भिड़ू अपू नीचे ड्रैगन बॉल का रखवाला, उसके लिए तो तुम्हारे को ब्रिज पार करना पड़ेगा, तो चलो मैं तुमको वहाँ पहुँचा देता है। अरे फिरू भाई यार, आप तो मुझे भेजना ही भूल गए। अरे मैं कुछ नहीं भूला है, मेरे को सब याद है, तूने मेरे बच्चे को मारा था ना, तो अब मैं तेरे को सैतामा की स्टाइल में पहुँचाएंगा उधर। अरे वाह मेरे पापा ओपी। अरे ये क्या हो रहा है? अबे साले चल निकल। अरे तू आ गया, मैं तेरा ही वेट कर रहा था, इस पत्थर के उस पर ब्रिज है चल। अरे सासा वो उसने अपनी स्टाइल में भेजा मुझे इधर, इसलिए लेट हो गया। ठीक है और आगे संभाल के जाना, कहीं भी खतरा हो सकता है। नहीं सासा कोई खतरा नहीं है, आ जाओ ये ब्रिज एकदम मजबूत है। अबे बोला था संभाल के जाना फिर भी चला गया। अरे सासा ज्ञान बाद में देना, अभी मेरे को बसाओ यार। हाँ तू वहीं रुक, हिलना मत, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ तेरे पास। अरे सासा यार डर लग रहा है, सड़ो यार। अरे हिम्मत रख, चल चल कुछ नहीं होगा, तेरा हाथ मेरी ओर बढ़ा। हाँ ठीक है सासा। अबे यार डटड़ी की लग गई। साले ये सब तेरी वजह से हुआ है, मना किया था आगे मत जा फिर भी आगे चला गया। अरे सासा यार मैं तो छोटा बच्चा हूँ, गलती हो जाती है मेरे से। हाँ चल ठीक है, और यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ सासा यहाँ पीछे तो देखो कितनी सारी मूर्तियाँ, अजीब सी। सुन किसी भी चीज को हाथ मत लगाना क्रिमिनल। हाँ सासा बस इस मूर्ति को टच कर लेता हूँ। तूने मुझे जगा दिया। अरे सासा यार मदद करो, मूर्ति तो जिंदा हो गई। अबे तुझे मना किया था छूने के लिए फिर भी तूने छुआ, और हर बार हम तेरी वजह से ही मुसीबत में फंस जाते हैं। चाचा छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब जल्दी से इन मॉन्स्टर्स को मार के निकल रहे हैं यहाँ से। अभी बताता हूँ इन मॉन्स्टर्स को। अबे बिल्ले चल मार इसको। सासा ये तो पूरी गैंग लेके आए है, पर मैंने तो सुना था कि मॉन्स्टर्स अकड़े आते हैं। क्या हुआ देख के डर गए? बड़े आए मुझे मारने वाले नूबड़े। सासा यार मेरी मदद करो, इसको तो बाँस से कुछ हो ही नहीं रहा है। अबे तुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्यों मेरे साथ आया है तू? सासा मैं आया नहीं हूँ, आप लाए हो मेरे को, समझ गए? उल्टा सोल कोतवाल को डांटे। कैसा लगा मेरा गोला? अच्छा फिर ये ले, कैसी लगी मेरी कुल्हाड़ी? चल अब तू भी ले साले। सासा मेरे को लगता है अभी सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो गए हैं। सही कहा बीड़ू, तुम पास हो गए ले। अरे क्या बात है, तो चलो यार अब हमें ड्रैगन बॉल दे दो। हाँ भिड़ू अपुन की स्टाइल में दू क्या, मजा आएगा।
गाइस आपको तो पता ही है हमने नया गेमिंग चैनल बनाया है, तो उसमें कल ग्रेनी सेक्टर 2 का गेम प्ले वीडियो आने वाला है। तो जिसको भी ग्रेनी का गेम प्ले वीडियो देखना पसंद है वो सभी जाके सब्सक्राइब कर लेना, लिंक कमेंट में है। और हाँ यार, इस वीडियो को तो लाइक कर दो, करते नहीं हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है बिड़ू, फिर ये लो, आज से ये 6ठा ड्रैगन बॉल तुम्हारा हुआ, खुश रहो। ठीक है, और अब हमें आखिरी ड्रैगन बॉल के रखवाले के पास पहुंचा दीजिए। ठीक है बिड़ू लोग, जाओ और ऑल द बेस्ट। आखिरी ड्रैगन बॉल को तो हासिल करना नामुमकिन है बिड़ू, पर छोड़ो, अपने को क्या है, अपुन चलता है बाबू के पास। सासा, ये तो मेरे को जापान की हिस्टोरिकल जगह लग रही है। हाँ क्रिमिनल, ये तो काफी सुंदर जगह है। अच्छा भाई, तो तुम ही वो योद्धा सो जिसने 6 ड्रैगन बॉल हासिल कर लिए से? हाँ हम ही है वो। वैसे आपका नाम क्या है? रे मैं बेरुसु, 7वें ड्रैगन बॉल का रखवाला। अच्छा, तो बताइए हमें क्या करना पड़ेगा 7वें ड्रैगन बॉल को हासिल करने के लिए? उसके लिए तो तुम्हें हमारे योद्धा से लड़ाई करनी पड़ेगी, और वो लड़ाई तभी खत्म होगी जब तुम दोनों में से किसी एक का खेल खत्म होगो। अच्छा, तो वो बर्न टू किल बंदर के साथ लड़े थे ऐसी लड़ाई है? जाओ सासा, आप जाओ, मैं यहाँ इनके साथ रहता हुआ। रे ना भाई, तुम दोनों यहाँ आए सो तो तुम दोनों को ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे इस बार किस योद्धा से लड़ाई है हमारी? रे सम्राट व्हाइट 0444, उनकी लड़ाई देख के लोगों को यही लगे से कि वो हैकर से, पर मैं ना बताऊंगा, खुद लड़ाई कर लो और देख लो भाई। अरे सासा, मुझे तो पक्का पता ही है वो हैकर है, हम दोनों को मार देगा वो। अरे नहीं क्रिमिनल, पक्का बता नहीं सकते कि वो हैकर है कि नहीं, चिंता मत कर तू। नहीं सासा, मुझे तो डर लग रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्रिमिनल, हमें इसे मारना ही पड़ेगा क्योंकि इप्पू को भी वापस लाना है और इस दुनिया को भी बचाना है। अरे अरे सासा, वो आ गया। अरे बेटे आदम, कहाँ है तू? आदम, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है इतने दिनों से? अरे नूबड़े, तुम सारा हमको जानते नहीं हो जो यहाँ चले आए हमसे लड़ने? अरे यार, इसकी मूवमेंट तो गजब है बेटा, मैं आंख बंद करके भी तुम जैसों को मार सकता हूँ, समझा? सासा आप चिंता मत करो, मैं अभी आपको छुड़ा लेता हूँ इसके जाल से। अरे ये बच्चा किसका आ गया है इधर मेरे से लड़ाई करने? अबे बच्चा नहीं हूँ मैं, आजा कर रे लड़ाई, पता चढ़ जाएगा तेरे को। अबे एक गुस्से में निपट जाएगा तू, बता रिया हूँ, आजा बताता हूँ तुझे। अरे अरे सासा, बहुत जोर की लगी, सांस नहीं ले पा रहा, ये तो सच में बहुत ताकतवर है। नहीं नहीं क्रिमिनल, हिम्मत रख, ये हम कर सकते हैं, चल तुझे साथ देना ही पड़ेगा मेरा। ठीक है सासा, मैं मेरी पूरी ट्राई करूंगा। अबे बच्चों को क्यों मार रहा है, कायर है तू? ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, दोनों को मार देता हूँ, उसमें का है? ओए ताऊ जी, आदम चाचा तो वो 7 ड्रैगन बॉल हासिल करने गए है, इसलिए आपका कॉल नहीं उठा रहे है। अरे किससे पूछ के गए है वो? 7वां ड्रैगन बॉल हासिल करना उनके बस की बात नहीं है। साले तूने क्रिमिनल पे हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती कर दी है। सासा मारो साले को और मारो। अरे बस बस भाई, हमें हल्के में मत ले, अब खेल को खत्म करते हैं। ये कुहाड़ी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और सुन, खेल खत्म नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। अरे गोकू बेटा, तू तो जानता है कि 7वें ड्रैगन बॉल के लिए व्हाइट 0444 को मारना पड़ता है और वो नामुमकिन है। अरे नहीं ताऊ जी, मेरे को आदम और क्रिमिनल पे पूरा भरोसा है, वो कर लेंगे। साले काले खरगोश, आज तो तू गया। अबे तो सुन, हमारा नाम व्हाइट 0444 है, और तेरे को तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। अबे साले मरेगा तो तू, और वो भी हमारे हाथों। ये हुई ना बात क्रिमिनल, अब हम दोनों मिलके इस खरगोश को उसकी औकात दिखाएंगे। अरे ये क्या बात हुई, तुम तो साला इस बच्चे के दम पे उछल रहे हो। अरे अरे सासा, मैं गिर जाऊंगा। नहीं क्रिमिनल, मैं तुझे नहीं गिरने दूंगा। क्या बात है, मजा आ गया, ई ले मुंह पे लाठ खा। साले सासा को लाठ मारता है, ये ले तू मेरा तीर खा। हाँ क्रिमिनल, ऐसे ही तीर मारते रहे इसको। अरे भैया साला, इसका तीर तो बहुत चुभता है। मैं समझ गया क्रिमिनल, इसे तेरे तीर ही मार सकते। समझ गया सासा, ये रे।
साले तूने मुझे घूसा मारा था ना, मैं उसका बदला ले रहा हूँ खरगोश कही के। वैसे एक बात बताऊँ आदम, मुझे ऐसे तीरों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे वैसे ये आइडिया किसने दिया ड्रैगन बॉल इकट्ठा करने का? ओए ताऊ जी, वो तो बाबा ने बताया था। हार मान ले वाइट 0444। बेटा हम हार मानने वालों में से नहीं, हम आदमी मारने वालों में से है। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, क्रिमिनल मार इसको। ठीक है सासा। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ बाबा जी के पास। बाबा जी मैं आ रहा हूँ। तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ वाइट 0444, हार मान ले तो तेरी जान बच जाएगी। नहीं, मैं तो तुम दोनों को मार के ही दम लूंगा। ठीक है, तो तूने मेरे लिए और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। रे भाई, के बात से तुमने तो नामुमकिन काम करके दिखा दियो। तो ये लो, सातवां ड्रैगन बॉल तुम्हारा हुआ। हमें सातों ड्रैगन बॉल तो मिल गए, पर अब ड्रैगन को कैसे बुलाए? रे तुम उसे ना बुला सकते, वो खुद तुम्हें बुलाएगा अभी। अरे अरे सासा, ये अचानक से बाढ़ कहाँ से आ गई? बच्चा लोग, बाढ़ नहीं, खुद ड्रैगन आया है तुमसे मिलने। अरे बाप रे, ये ड्रैगन तो कितने बड़े हैं। तो चलो बताओ क्या विश है तुम्हारी। अरे अरे रुको एक मिनट, तुम तो यार ड्रैगन नहीं सांप लगते हो, अन्याय हुआ है हमारे साथ। अबे तो तू भी कौन सा असली ड्रैगन बॉल लेकर आया है? तू भी पूल बॉल लेके आया है? अरे कोई ना, तो आप हमारी विश तो पूरी करेंगे ना? हाँ बच्चा बोल, क्या विश है तेरी? अरे मुझे मेरा दोस्त टिपू वापस चाहिए जिसने बलिदान दे दिया। और मुझे मायावी टॉयलेट का लोकेशन चाहिए जिसमें अल्टीमेट टिपू की सारी शक्तियाँ छुपी है। ठीक है, तुम्हारी विश पूरी हुई, जाओ लौट जाओ अपनी दुनिया में। We'll be right back.